संविधान में धर्म को घुसर करके आग लगाने के नाम पर होगा तब भी हम लड़ेंगे, जब आरक्षण छीनने की बात आएगी तब भी हम लड़ेंगे, और जब बाबा साहब के सपनों का हिंदुस्तान बनाने की बजाय गोडसे गोलवलकर हडगवार के सपनों का हिंदू राष्ट्र बनाने का काम किया जाएगा तब भी हम लड़ाई लड़ेंगे। हम इन सारी लड़ाइयों को एक करेंगे और इस बात के लिए लड़ाई मजबूत करेंगे कि आगे कोई नागौर कांड न हो, कोई रोहित विमला न हो, कोई पायल तड़वी न हो, और आइंदा कोई ऊना और सहारनपुर न हो। और सम्मानित साथियों, अभी हमारे पूर्व में संचालन कर रहे साथी ने कहा कि इस जगह पर हम लोग जब भी जुटते हैं तो कोई अफसोस, कोई गम, कोई पीड़ा ही होती है कि हमें यहां पर इकट्ठा होना पड़ता है। फिर मुझे याद आने लगा और तमाम वरिष्ठ लोग बैठे हैं कि ये जगहें दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की पीड़ा को व्यक्त करने के लिए भी मुहैया नहीं हुआ करती थी। बहुत संघर्ष करके ये जगह बनी है कि आज हम उस पीड़ा का इजहार भी कर पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से सफर आगे बढ़ा है। इसी विश्वविद्यालय को कभी कहा जाता था कि ये माँ सरस्वती का पावन प्रांगण है। यहाँ आरक्षण लागू हो गया, यहाँ दलित पिछड़े आदिवासी अगर पढ़ने पढ़ाने आ गए तो ये पावन प्रांगण दूषित हो जाएगा। आरक्षण का प्रावधान जब लागू हुआ तो इन्हीं विश्वविद्यालय के चार दीवारियों के आसपास क्रांति चौक बनाया गया कि आरक्षण लागू न हो, हम उसका विरोध करते हैं। लेकिन जो सफर शुरू हुआ था, हम लोग परंपरा जब देखते हैं तो तथागत बुद्ध से लेकर के बाबा साहब अंबेडकर के संविधान तक उसने इतना चौड़ा रास्ता बना दिया था कि उनके रोके कोई न आरक्षण रुका, न दलित पिछड़े आदिवासियों की विश्वविद्यालयों में भागीदारी रुकी, और आज हम इतनी ताकत में हैं कि हम अपने मन मुताबिक के सवाल उठा सकते हैं और यह सवाल पूछ सकते हैं कि यह सदियों का संताप जो है वो आखिर कब तक चलेगा। तो बदलाव आया है, लेकिन बदलाव के साथ साथ चिंता भी यह है कि आज भी जिसके जहन में संविधान होना चाहिए था उसके जहन में मनुस्मृति बैठी हुई है, और जाति इतने गहरे बैठी हुई है कि सवाल उठाने वाले लोगों पर निशाना साधा जाता है, और जो सवाल पूछता है उसका दमन किया जा रहा है। लेकिन ये केवल इतना नहीं है, गांव में आज भी दलित घोड़ी चढ़ रहा है तो मारा जा रहा है। 21वीं सदी में दुनिया का आयाज तो मोदी जी स्वागत कर रहे हैं ना कि ट्रंप का, और ये बहुत बड़े मित्र उनके आए हुए हैं। एक बार जब वो पिछली बार गए थे और उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में सब चंगा सी, तो एक बार बताएं अपने मित्र को कि हिंदुस्तान में 70 साल बाद मूछ रखने पर दलितों को मारा जा रहा है, घोड़ी चढ़ने के बाद उनकी हत्याएं की जा रही हैं, दूल्हा बनकर के घोड़ी चढ़ रहे हैं तो मारा जा रहा है, और जब हक हुकूक का सवाल पूछा जा रहा है तो वो रोहित बेमुला बना दिया जा रहा है, वो पायल तड़वी बना दिया जा रहा है। तो आप बताओ कि जब दुनिया समानता की दिशा में जा रही है तो आज आप 100 रुपए की चोरी का इल्जाम लगा करके आप किसी को इस अमानवीय स्तर की प्रताड़ना देते हैं, ये हिम्मत कहां से आई आप में? ये कौन साहस दे रहा है? कहने को तो संविधान का शासन है ना, रूल ऑफ लॉ है, ये हिम्मत और ये आत्मविश्वास सत्ता में बैठे उन लोगों से मिलता है जो अपने जहन में मनुस्मृति रखते हैं, जो अपने इस सांसद के कहने पर आज वो ले गए बापू को दिखाने, गांधी को, वो अंबेडकर को याद करते हैं।
लेकिन उनके ही सांसद जब कहते हैं कि गोडसे देशभक्त था तो वो कहते हैं मन से माफ नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसी संसद में उनके साथ बैठेंगे। मॉब लिंचिंग होगी तो सजा किसी को नहीं मिलेगी। तो हमारा सवाल यही है कि अगर रोहित गमुला के हत्यारों को सजा मिली होती तो पायल तड़वी की हत्या सांस्थानिक हत्या नहीं होती। अगर एक बार ऊना और सहारनपुर में जिनमें सामंती जाति दंभ के नाते जिन्होंने हमला किया उनको सजा मिली होती तो आज ये पेचकस कांड करने की हिम्मत ना होती। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान तो दिया है, उस संविधान में सबको बराबरी का हक मिला है और मनुष्य को मनुष्य माने जाने की वो परंपरा खड़ी की। क्योंकि सदियों से आपने इस देश के कामगारों को, इस देश के बनाने वाले दलित पिछड़े आदिवासियों को इंसान ही नहीं माना था, आपने उन्हें मंदिर नहीं जाने दिया, आप शीशा पिघला के कान में डालने का ग्रंथ लिखते हैं, दुनिया में लोग हंसते होंगे, इंसान दुनिया भर में पैदा होते हैं लेकिन मुख से कोई नहीं पैदा होता और आपके ग्रंथ कहते हैं कि आप मुंह से पैदा हुए, क्योंकि आपको यह कहना था कि जो सूत्र है वो पैरों से पैदा हुए हैं इसलिए आपने भुजाओं से इंसान पैदा किए। आज आप 70 साल बाद आजादी के संविधान से नहीं चल रहे क्योंकि आपके जहन में यह सवाल चुभता है कि जो पैरों से पैदा हुए थे अब वो सर पे चढ़ के आंख दिखाते हैं कि यह देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा, इसलिए आपको पीड़ा है और वो पीड़ा गांव गांव आपने भरी है। आज हम लोग अफसोस में तो हैं कि आजादी के 70 साल बाद भी कोई करोड़ों अरबों रुपए देश का लूट करके देश से भाग जाता है और उसे कोई पकड़ने वाला नहीं, और 100 रुपए की चोरी का इल्जाम लगाने वालों पर अभी वो इल्जाम साबित भी नहीं हुआ और आप उसके साथ पेचकस कांड। ये आने वाली पीढ़ियों को आप क्या देकर जाएंगे? और अभी तक कोई गुनहगारों पर कोई सजा नहीं। हमें हमारी लड़ाई को इस मुकाम तक ले जाना है कि यह एक सांस्कृतिक लड़ाई है, सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई है। अगर हम इस तरह के कांडों को रोक नहीं पाए, अगर इनका मुखर विरोध नहीं कर पाए तो जो लड़ाई हजारों हजार अनगिनत बहुजन तबके की कुर्बानी से मिले हैं वो सब हमारे हाथ से निकल जाएगी और हम आने वाली पीढ़ियों को फिर से मनुस्मृति की गुलामी तक ही छोड़ पाएंगे। इसलिए साथियों जब हम विश्वविद्यालय में खड़े होते हैं तो हमें इस बात पर विचार करना होगा कि कहीं हमारी लड़ाई में कहां कहां दिक्कतें आ रही, हमारे अपने लोग कैसे उनके छलावे में आकर के मंदिर बनाने की लड़ाई में शामिल हो जा रहे हैं और हमारे खिलाफ हमारे लोगों को ये खड़ा करने में सफल हो जा रहे हैं। जब जब आरक्षण पर हमला करना हुआ इन्होंने एक पिछड़ा, एक दलित, एक आदिवासी को खड़ा कर दिया संसद में और वो कहता रहा कि आरक्षण खत्म करो और संघ उसके पीछे काम करता रहा। जब उन्हें मंदिर बनाने के लिए, दंगा कराने के लिए CANRC लागू करके हमला कराना हुआ तो दलित पिछड़े आदिवासियों में से ही तो लेकर के गए वो, और वो गोडसे बनकर के जामिया पर, शाहीन बाग पर बंदूक चला रहे हैं, वो हमारे ही लोग हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी लड़ाई इस मामले में कमजोर है कि हम बाबा साहब के सपनों को, उनकी लेखनी को, फुले पेरियार को, सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख को अपनी आवाम तक ले जाने में कमजोर साबित हुए, सफल नहीं हो पा रहे। इसलिए हमारी लड़ाई बहुआयामी है और कल तक जो अछूत बनाते थे आज वो हमारी थाली में बैठकर खा भी रहे हैं और जहां मौका मिल रहा है हमारा आरक्षण खत्म कर रहे हैं, विश्वविद्यालयों में 13-point रोस्टर लागू कर रहे हैं, जहां आरक्षण से लोग नौकरी पा गए उनको नौकरी से बाहर करने की साजिशें लगा रहे हैं, SC ST एट्रोसिटी एक्ट को कमजोर कर रहे हैं और जब जब मौका मिल रहा है ऊना सहारनपुर से लेकर के राजस्थान के नागौर तक इतनी अमानवीय क्रूर हिंसा की घटनाएं करने में भी पीछे नहीं हट रहे हैं।
हमारी लड़ाई बहुत बारीक हो गई है, हमें अब संगठित होना होगा। और उनकी एक साजिश यह है कि वो बारी बारी दुश्मन को बांट करके आपस में लड़ाते हैं। पिछड़े तबके को अति पिछड़े से लड़ा दो, दलितों को सबसे नीचे तबके के दलितों से लड़ा दो, आदिवासियों में एक जाति को दूसरे जाति से लड़ा दो, अल्पसंख्यकों को बाकी बहुजनों से लड़ा दो। यही खेल वो बारी बारी कर रहे हैं और बारी बारी आपका आरक्षण और आपका हक हुकूक छीन रहे हैं। आज जरूरत इस बात की है कि हम सब वंचितों शोषितों की एका बनाने होगी। जितने भी लोग जहां कहीं भी लड़ रहे हैं, हम लोग तो दिल्ली विश्वविद्यालय में खड़े होकर के थोड़े प्रिविलेज में हैं कि चार कैमरे हमारे आसपास है, हमारे पास एक मंत्री है, तमाम समाज सेवी है, विश्वविद्यालयों के शिक्षक हैं, शोधार्थी है। गांव में जो अत्याचार सह रहा है और उस अत्याचार के खिलाफ लड़ रहा है, उसके पीछे खड़े होने वाले लोग नहीं मिलते और उनकी आवाज को उठाने वाला कोई मीडिया नहीं मिलता। अगर हम जीत न पाए, हम अपनी लड़ाई मजबूत न कर पाए, तो वो लोग जो अपने स्तर पर लड़ रहे हैं, उन लड़ाइयों को हम अपनी लड़ाई से जोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए आज कोई मायूसी का दिन है तो वह इस बात के लिए है कि हम ऐसी घटना का के होने के बाद एक सवाल पूछने आए हैं कि अब तक कब तक ये लड़ाई चलेगी, कब तक इस तरह का अन्याय होता रहेगा। लेकिन इस बात के लिए भी हमें एकजुट होने का वक्त है कि जब जब संविधान के ऊपर हमला होगा, चाहे वो हमला नागरिकता कानून के नाम पर, संविधान में धर्म को घुसेड़ करके आग लगाने के नाम पर होगा, तब भी हम लड़ेंगे। जब आरक्षण छीनने की बात आएगी तब भी हम लड़ेंगे। और जब बाबा साहब के सपनों का हिंदुस्तान बनाने की बजाय गोडसे, गोलवलकर, हडगवार के सपनों का हिंदू राष्ट्र बनाने का काम किया जाएगा, तब भी हम लड़ाई लड़ेंगे। हम इन सारी लड़ाइयों को एक करेंगे और इस बात के लिए लड़ाई मजबूत करेंगे कि आगे कोई नागौर कांड न हो, कोई रोहित विमला न हो, कोई पायल तरवी न हो और आइंदा कोई ऊना और सहारनपुर न हो। इसलिए आज मिल करके एकजुट होने की जरूरत है, इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की जरूरत है और उम्मीद करते हैं कि हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। आप सभी को इंकलाब जिंदाबाद। जय भीम, जय मंडल।